हाय गाइस गुड इवनिंग कैसे हैं सब बच्चे वेलकम टू एन अकेडमी कैन यू ऑल सी मी कैन यू लिसन टू मी दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है सब कुछ यस yes. फटाफट फड़ से बता दो हाय गाइस हाय हाँ जी तो मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम ए एजुकेटर इन नीट यू कैटेगरी एंड हम लोग इस क्लास के दौरान इस क्लास के थ्रू तैयारी कर रहे हैं नीट 2024 एंड 2025 की जिसमें हमने शुरू किया है क्लास इलेवंथ क्लास इलेवंथ का यूनिट चल रहा है यूनिट का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं इंक्लूडिंग ब्रीदिंग बॉडी फ्लूड एक्सक्रीटरी सिस्टम मस्क्यर सिस्टम ये सारे चैप्टर हमने कर लिए अब हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में दो ही चैप्टर बाकी हैं। पहला चैप्टर है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड दूसरा चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जिसको हम सिंपल भाषा में इंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं ये जैसे ही दो चैप्टर्स आपके पूरे हो जाएंगे फोर्टी टू फोर्टी मार्क्स का ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट भी हमारा समाप्त हो जाएगा अगर आप ये क्लास पहली बारी देख रहे हैं तो आप लोग मेरा लिंक ट्री चेकआउट कर सकते हैं जिसमें प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑनगोइंग सीरीज की मेरी पुरानी सीरीज की विद पीडीएफ लिंक प्लस पीडीएफ आपको मिल जाते हैं क्या करना है गूगल पे जाना है गूगल पे सिंपली डालना है सी पाहुजा लिंक ट्री मेरा नाम डालना है नाम आपको सेशन में भी मिल जाएगा और नीचे लिख देना है लिंक ट्री आपको खुद से लिंक मिल जाएगा तो अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं सो दैट विल रियली हेल्प यू फिगर आउट की हम क्या कर चुके हैं एंड फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं सारी प्ले वहीं पर आपने कर लिया है? क्योंकि आज उसका टेस्ट है, है ना? आज बेटा जी हम लोकोमोशन का टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं शाम को छह बजे तो कोई भी बच्चा इस टेस्ट को मिस ना करे लिंक कहां पर है लिंक बेटा जी पिन हो चुका है यहां पर इफ यू विल हैव ए लुक लिंक यहां पर पिन हो चुका है तो ये क्लास सबको लगानी लगानी फ्री क्लास होती है अन अकेडमी की ऐप पर होती है आपको सिर्फ इस पे क्लिक करके एनरोल पे करना है या फिर नोटिफाई मी एक चीज दी होगी या तो एनरोल बटन दिया होगा या फिर नोटिफाई मी पे क्लिक करने का दिया होगा तो नोटिफाई मी कर लो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही क्लास शुरू होगी क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आई तो गड़बड़ है क्लास बच्चों की मिस हो जाती है जब तक बुलाया ना जाए ना उठा उठा के लेके ना आया जाए तब तक बेटा बच्चे क्लास में नहीं आते हैं उठा उठा के लाना पड़ता है हां जी शुरू करें बताए शुड बी स्टार्ट और नॉट Yes. Okay. तो नर्वस सिस्टम में दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हूं राधर अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एस्पिरंट होते तो मैं इसी नर्वस सिस्टम को तीन पार्ट्स में डिवाइड करती बट नाउ आई एम डिवाइडिंग दिस नर्वस सिस्टम इन टू टू पार्ट्स अब मैं आपको तीन पार्ट में बताती हूँ कौन से होते अगर आप वो होते बट आप वो नहीं है आप थोड़े लकी हो गए हैं है ना तो वैसे तो इसके थ्री पार्ट्स होते हैं वन टू एंड थ्री फर्स्ट पार्ट है इसका टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन जो हम आज करने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स टू न्यूरॉन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा पार्ट बेटा इस चैप्टर का आता है ब्रेन ठीक है तीसरा चैप्टर इस पार्ट का आता था आता था दैट इज सेंस सेंस ऑर्गन ऑर्गन में हम लोग डिटेल में करते थे आई का एंड ईयर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग मैकेनिज्म ऑफ विज़न मैकेनिज्म ऑफ़ हियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ आई स्ट्रक्चर ऑफ ईयर ये सारी चीजें हम करते थे बट टू योर लक है ना ये वाला पोर्शन अब नई एनसीईआरटी में से भी और आपके एनएमसी के द्वारा रिलीज किए गए नए सिलेबस में से भी काट दिया गया है तो व्हाट वी विल डू क्या हम ये पोर्शन बिल्कुल भी नहीं करेंगे पेपर से पहले हम रिस्क लेंगे नहीं बेटा ये मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ लेकिन मैं वेट करूंगी उस दिन का जब एनटीए या फिर जो भी कंडक्टिंग बॉडी होगी अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज करेगी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सिलेबस एक बार दोबारा लिखा होता है तो ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो पेप बुक में से निकाल दिए गए हैं और सिलेबस में से भी निकाल दिए गए हैं क्या उनको करना है या नहीं करना वो अभी क्वेश्चनेबल है इसीलिए हम इन छोटे छोटे टॉपिक्स को छोड़कर बाकी जो 100 परसेंट आना है उसको हम लोग कवर करेंगे ये हमारी strategy है है आई डोंट वांट कि हम अभी एक्स्ट्रा समय लगाएं हो सकता इसमें से एक सवाल आए ना आए इसकी क्लैरिटी मुझे मार्च में या फिर फेब्रवरी में मिलेगी अगर मान लो आ भी रहा है तो वी विल टेक ओनली थ्री टू तो फोर डेज इन कंप्लीटिंग ऑल दो जो कि फाइनली आ रहे होंगे तो ये हम आई ईयर उस दिन कवर करेंगे ये स्मार्ट मूव अब हम करने वाले हैं जो टॉपिक्स परसेंट आने ही आने हैं सिलेबस में भी है और न्यू एनसीईआरटी में भी है तो वो टॉपिक्स आपके कौन से है? एक बचता है क्लास में बेटा हम न्यूरॉन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में हम लोग ब्रेन को डिस्कस करेंगे मैंने इनको हाफ हाफ इसलिए डिवाइड किया सो दुए जाए तीन से चार क्वेश्चन क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन बेटा इस चैप्टर से रहता है अगर मैं कम से कम तीन क्वेश्चन भी लेके चलूं तो ट्वेल्व मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर अगर आप सुपरफिशियली सब चीजों को करेंगे मिस कर जाएंगे बायो आसान कर दी गई है सिलेबस कम कर दिया गया है दैट चीजें और डेप्थ में आएंगी समझ रहे हो पेपर और डेप्थ में आएगा अगर किसी वजह से 38 से 32 चैप्टर हो गए हैं छह चैप्टर कट कट गए हैं नंबर तो उतना ही है ना पेपर तो 360 मार्क्स का ही आ रहा है तो इस 360 मार्क्स का मतलब पेपर 360 मार्क्स का मतलब आने का मतलब है पहले सौ क्वेश्चन थर्टी एट चैप्टर में से बनते थे अब वही सौ क्वेश्चन थर्टी टू चैप्टर में से बनेंगे यानी कि पर चैप्टर क्वेश्चन का नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन की डेप्थ भी बढ़ जाएगी इसीलिए मैंने इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया चलेगा है ना बता दो चलेगा शुरुआत करें न्यूरोन से यस बता दो फटाफट से न्यूरोन से शुरू करें सबके माइंड मैप बनवाएंगे सबके बनवाएंगे एक बार आज लोकोमोशन का टेस्ट दे दो यहां पर पिन क्या हुआ है एनरोल कर लो दूसरी कल की क्लास में उसका माइंड मैप बनवा दूंगी परसों की क्लास में इसका माइंड मैप बनवा दूंगी इसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगी अब रेगुलर आपकी स्पेशल क्लासेस होंगी यूट्यूब क्लास बेटा जी ऑल्टरनेट डे कर दी है मैंने और लेकिन प्रैक्टिस क्लास जो शाम को छह बजे होती है जैसे ये क्लास है ना अपनी वैसे ही एवरी डे प्रैक्टिस और माइंड मैप की क्लास एवरीडे होने वाली है तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरा मेरे ही नाम से है क्या लिखना है सी पाजा बायोलॉजी ऑफिशियल बस वहां पर लिंक आता है एक्चुअली सी पाजा बायोलॉजी ऑफिशियल टू लैक समथिंग बच्चे हैं उसमें तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा एवरी डे माइंड मैप क्लास का लिंक प्रैक्टिस क्लास का लिंक क्लास का लिंक और इसका लिंक एंड इसकी पीडीएफ सब वहीं पर आती है तो अगर आप नए हैं आप मेरे से कनेक्टेड नहीं है तो डेली क्लास लिंक्स के लिए और पीडीएफ के लिए इसको जरूर ज्वाइन करके रख लेना तो शुड वी स्टार्ट विद फर्स्ट पोर्शन एक बार बता दो कैसे बताएंगे सेशन को लाइक करके बताएंगे अभी तक सेशन लाइक नहीं हुआ है आपको पता ही है आप आते हैं अटेंडेंस मार्क नहीं करते बिना अटेंडेंस के तो ना स्कूल में क्लास चालू होती है ना हमारी क्लास चालू होती है तो फटाफट फड़ से चालू कर दो अटेंडेंस लगा दो अपनी यस <laughs> yes. अटेंडेंस लगा दीजिए कम ऑन लगा दी अटेंडेंस चेक कर रही हूं मैं कैसे लगाते हैं अटेंडेंस बहुत अच्छी बात है अभी तक यही नहीं पता चला अटेंडेंस कैसे लगाते हैं अटेंडेंस लगाते हैं सेशन को लाइक करके चलिए तो ये हम थोड़ा सा आज कर, आज नहीं कल करने वाले हैं आज मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगी यस अबाउट दिस ब्रेन पोर्शन ये आप देख रहे हैं दिख रहा है सबको यस yes. हाँ जी ये पोर्शन इस चैप्टर का पार्ट है जिसमें हम सारे ब्रेन के पार्ट्स फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन सब कुछ इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट टू यानी कि ब्रेन कल होगा आज न्यूरॉन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स करने वाली हूं कल हम क्या करने वाले हैं ब्रेन इज इट इंटरेस्टिंग जो बच्चे एक्चुअली में न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं है ना ब्रेन की स्टडी करना चाहते हैं वो उन बच्चों के लिए इस टॉपिक से फैसिनेटिंग और कुछ नहीं हो सकता इस टॉपिक से फैसिनेटिंग और कुछ नहीं हो सकता हम एक एक पार्ट को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे कि थैलमस कहा है हाइपोथैलमस कहा है लिम्बिक सिस्टम कहां है किसका क्या फंक्शन है एवरीथिंग विल बी डेल्ट दिस विल बी डेल्ट टूमो तो कल की क्लास तो सुपर डुपर इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की क्लास में मैम हमने क्या करना है आज की क्लास का क्या थ्री पॉसिबल है हाँ क्यों पॉसिबल नहीं है जब सीप मैम है तो सब चीजें पॉसिबल है ना जब सीप मैम है तो सब चीजें पॉसिबल हैं। अब आज की क्लास में हम ये करने वाले लुक रहा है ओके okay. तो ये सारा पूरा जंजाल बना हुआ है ये सारा जंजाल किसका है न्यूरॉन्स का है इसमें से एक्चुअल हम मैं आपको पहले एक न्यूरॉन सिखाऊंगी जस्ट अ सेकेंड फालतू चीजों को हम लोग कर देते हैं डाइसेक्ट <laughs> सबका नाम बताऊंगी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी हाँ जी एवरीथिंग आई विल शो यू दिख रहा है यस yes. तो इसकी स्टडी हम लोग आज करने वाले हैं एक न्यूरॉन को सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ड्रॉ करने के बाद यहां से फिर से देखेंगे देखेंगे कि इसके सेल में क्या है सेल कैसी शेप का है कौन कौन सी ऑर्गेनलीज है किस ऑर्गेनली किस में मॉडिफाई हुई है कैसे इम्पल्स ट्रांसमिट होती है वन अगर इस चैप्टर में से सवाल आया ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में से हंड्रेड एंड टेन परसेंट आएगा मतलब जो पोर्शन हम आज करने वाले हैं उसमें से हंड्रेड एंड टेन परसेंट क्वेश्चन आने वाला है तो आज की क्लास बहुत आसान है लेकिन जो बच्चा शुरुआत से एंड तक नहीं देखेगा उसके लिए उतनी ट्रिकी है उतनी गड़बड़ है वो प्लस माइनस प्लस माइनस में घूमता रहता है उसे लगता है केमिस्ट्री आ गई बायो में जबकि कोई केमिस्ट्री नहीं है मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक द ओनली थिंग दैट रिक्वायर इट रिक्वायर्स इज योर फोकस है ना तो पेन पेपर और फोकस लेके मेरी क्लास में आ गए हो तो लेट है ना शुरू करें यस yes, मेरे बच्चों शुड वी स्टार्ट बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है यू आर गोइंग टू लव इट आज की क्लास कल की क्लास आज न्यूरोन है कल ब्रेन है ठीक है तो बी अटेंटिव एक से शुरू करते हैं हां <coughs> जी शुरू करते हैं न्यूरोन तो सबसे पहले न्यूरोन क्या है क्या न्यूरोन कोई सिस्टम का नाम है क्या न्यूरोन कोई सेल का नाम है यस yes, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं एक टिश्यू है हमारी बॉडी में जिस टिश्यू का नाम है नर्वस टिश्यू यस पेन पेपर फोकस ले आओ पेन पेपर के साथ साथ में लिखेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे हमारे पास बेटा जी एक टिश्यू है जिस टिश्यू का नाम है नर्वस टिश्यू इस नर्वस टिश्यू के मेजर सेल द मेजर सेल विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू दैट मेजर सेल इज कॉल्ड एज न्यूरोन तो न्यूरोन एक सेल है ठीक है विच इज द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ठीक है नर्वस सिस्टम देखो है तो ये सेल तो सेल के पास यूकैरियोटिक सेल है न्यूक्लियस होना बनता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलिज होनी बनती है बिल्कुल सही बात है नॉर्मल सेल की तरह इसके पास भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम न्यूक्लियस ऑर्गेनली साइटोप्लाज्म ये सब डालते हैं तो दो पार्ट्स बनते हैं बेटा जी इस सेल के फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज साइटॉन ठीक है पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे साइटोन बोलेंगे दूसरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे कुछ ब्रांचेस निकलती है यहां से ठीक है इस सेल में से कुछ या फिर मैं बोलूंगा एक्सटेंशन निकलती हैं निकलती हैं दो तरीके के बेटा एक्सटेंशन हैं यहां पर पहली एक्सटेंशन छोटी है और ब्रांच है इस एक्सटेंशन को हम लोग बोलते हैं डेनराइट मैं सब ड्रॉ करूंगी डोंट वरी अभी हम लिख रहे हैं डेनराइट दूसरी एक्सटेंशन जो कि एक लंबी है और सिंगल है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन तो डेंड्राइट भी इसका एक्सटेंशन है इसी सेल में से निकलता हुआ एक तरीके से हाँ एक्सटेंशन बोलो और एक्सॉन भी ये जो डेंड्राइट है ये बहुत सारे होते हैं मैनी होते हैं एंड ब्रांच ब्रांच अभी हम बनाएंगे भी जो एक्सॉन है वो एक ही होता है सिंगल होता है एंड अनब्रांच होता है सिंगल होता है एंड अनब्रांच होता है अब ये जो साइटोन है इसी साइटोन को हम लोग सोमा के नाम से भी जान सकते हैं इसी को हम लोग पेरिक्रियॉन भी बोल सकते हैं ठीक है तो एक ही बात है साइटोन बोल दो सोमा बोल दो पेरिक्रियॉन बोल दो या फिर सेल बॉडी बोल दो सेम थिंग सेल बॉडी बोल दो सेम थिंग तो शुड वी ड्रॉ शुड वी स्टार्ट ड्रॉइंग यस मेरे बच्चों ड्रॉ करना शुरू कर दें तो आ जाओ दो कलर के पेन कम से कम होने चाहिए ऐसे नहीं कि बस एक पेंसिल लेके आ गए हैं उसी से गुजर पुजर कर रहे हैं बायो में अगर आपको चीजें समझनी हैं, तो पेंसिल के साथ कम से कम टू कलर्स के पेन जरूर अपने पास रखो टू हाईलाइट थिंग्स टू डिफ्रेंशिएट वेरियस थिंग्स नहीं तो कहाँ न्यूक्लियस है कहाँ साइटोप्लाजम है खुद ही भूल जाओगे छह महीने के बाद और छह महीने तक तो कम से कम ऐसी कॉपी बनाओ कि खुद पढ़ पाओ अल्टीमेटली यही कॉपी है जो पेपर से एक दिन पहले एक महीना पहले पढ़ के आप रिवाइज करेंगे उसके उस तब पीडीएफ पीडीएफ वीडीएफ कुछ काम नहीं आती अपने हाथ से लिखे हुए नोट से काम आते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते हैं मैं डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको गलती बताती जाती हूँ कि क्या गलती करते हैं पता क्या गलती होती है बच्चे को लगता है ओहो साथ बात भी करते जाते हैं बच्चे को लगता है कि इतने दो साल लगाकर जो मैंने कॉपी बनाई है ना वो कॉपी तो बिल्कुल बर्बाद है अब उस टाइम पे ना ये बच्चे ने पुराने स्टूडेंट के बने हुए ना माइंड मैप्स है बस ये पढ़ के चला जाता हूँ ये दूसरी मैम ने दिए माइंड मैप्स है शॉर्ट नोट्स हैं वन पेज नोट्स है बस मैं वो वन पेज नोट्स पढ़ के चला जाता हूं ऐसा बच्चे को लगता है कि मैंने जो दो साल मेहनत किए हैं वो मेहनत तो बिल्कुल बेकार है कितनी कॉपीज भर दी है बेटा बायो की सच बताना अब तक बायो की कितनी कॉपीज भर चुके हो हाँ बताओ बताओ और सबसे बड़ी गलती जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि अपनी ही कॉपी ना पढ़ के इधर उधर के माइंड मैप्स इधर उधर के शॉर्ट नोट्स इधर उधर से लिए हुए चीजें आप जब पढ़ेंगे जब बेटा इतनी हाँ कितनी जीरो जीरो वाले बच्चे भी हैं है? छा पांच रुपए वाली कॉपी लगाई थी नो 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 बहुत पतली कॉपी नहीं लगानी है रजिस्टर लगाने होते हैं बायो के अगर मैं आपको दिखाऊं एक्चुअल कॉपी ऑफ बायोलॉजी शुड बी ऑफ दिस साइज ये देखो इस साइज की कम से कम कॉपी होनी चाहिए मेरी कॉपी है ठीक है दीज आर माय नोट्स माय हंड्रेड नोट्स यू कैन से है ना हर टीचर के पास ऐसे रजिस्टर होते हैं कम से कम इस साइज का रजिस्टर तो बेटा होना चाहिए आपके पास अब आप बहुत पतली पतली कॉपी लगाएंगे तो उसका नंबर तो सिक्स सेवन हो सकता है लेकिन अगर आप ये लगाएंगे तो तीन से ज्यादा नहीं बनते तीन से मैक्सिमम चार है ना इससे भी डबल है चलो बढ़िया जितनी भी कॉपीज बेटा आपने बनाई है ना हमेशा याद रखो आपने अगर मेहनत की है अच्छे टीचर के साथ ऑब्वियसली अच्छे टीचर के साथ ही करी होगी हर टीचर अपना बेस्ट दे रहे एवरी वन इज डूइंग ऑसम जॉब उन्हीं कॉपीज को पढ़ना है अल्टीमेटली ये नहीं कि सिर्फ माइंड मैप से काम चला लेना है माइंड मैप्स नो डाउट दे हेल्प बट कुछ सोच के बेटा आपकी कॉपी बनवाई जा रही है ऐसे तो नहीं बनवाई जा रही है है ना कुछ सोच के ही कॉपीज बनवाई जा रही है ठीक है तो रिस्पेक्ट करो अपनी कॉपीज को अपनी कॉपी को सबसे ज्यादा वैल्यू दो जिस डिटेल से तुमने अपनी कॉपी में लिखा होगा उस डिटेल से बेटा जी किसी और कॉपी में नहीं पाया जा सकता माइंड मैप्स सुपरफिशियल रिविजन के लिए है लेकिन आप अपनी कॉपी से जो रिवाइज करेंगे वो आप किसी और के नोट से नहीं कर सकते हैं ठीक है चाहे कैसी भी हैंडराइटिंग हो अपनी ही कॉपी से पढ़ना चाहिए हमेशा ठीक है चलो तो ये हमने आउटलाइन बना ली है न्यूरॉन की न्यूरॉन में सबसे पहले ये वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी क्या बोलोगे इसको सुनो ध्यान से इसका क्या नाम है सेल बॉडी ये जो सेल बॉडी है सेल बॉडी में से मैंने बोला दो तरीके के एक्सटेंशन निकलेंगे एक एक्सटेंशन ब्रांच और छोटा होगा दूसरा एक्सटेंशन सिंगल लंबा अनब्रांच होगा ये देखो ये छोटे छोटे एक्सटेंशन निकल रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज ये 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 ब्रांच है स्मॉल साइज है और मेनी है इनको हम लोग बोल देंगे देन ये एक बड़ा सा एक्सटेंशन निकल रहा है सिंगल है अनब्रांच है है ना अकेला है इसको हम बोल देंगे एक्सॉन ठीक है तो लेबल कर लेते हैं फटाफट से सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द सेल बॉडी सेल बॉडी का दूसरा नाम लिखने की जरूरत है नहीं पिछले पेज में मैंने आपको बता दिया इसी सेल बॉडी को हम लोग साइटोन सोमा पेरिकॉन बोलते हैं देन आपका अगला हिस्सा आता है लंबी सी स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज एग्जॉन इसको आप लोग क्या नाम देंगे एग्जॉन अब लास्ट में देखिए बेटा एक्जोन का ये एंड है ठीक है इसको हम लोग बोलेंगे एग्जॉन टर्मिनल दिस इज कॉल्ड एज एग्जॉन टर्मिनल बना रहे हो ना मेरे साथ 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 बनाएंगे तभी समझ आएगा अब इस साइटोन में तुम जरा ध्यान दो सेंटर में क्या दिखाई दे रहा है सेंटर में प्रस्तुत है न्यूक्लियस के साइटोप्लाजम सो so, so, ये जो मैंने व्हाइट कलर का बनाया है दिस इज गोइंग टू बी द साइटोप्लाजम साइटोप्लाजम ऑफ दिस न्यूरॉन एंड यहां पर ये यह जो ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं दीज आर कॉल्ड एज द डेंड्राइट क्या बोलेंगे इसको dendrites. अब इस टाइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनिज है सारी ऑर्गेनलीज बना नहीं रही हूं यहां पर बट एक काम की ऑर्गेनली जरूर बनाऊंगी जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या नाम है इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस ब्लू कलर का बना रही हूं अगर आप ध्यान से इसका लोकेशन देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है सो दिस वन इज द आर ई आर आर ई आर का फुल फॉर्म सबको पता है सेल बेसिक सब जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट इज हेयर कॉल्ड एज नि्स ग्रेन्यूल्स क्या बोलोगे इसको निस्सल्स ग्रान्योल्स बोलोगे आरईआर का काम क्या होता है बताओ फटाफट से सब बच्चे बताएंगे नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन नाइन्थ में भी आता है इलेवंथ में भी आता है अब तो आप ड्रॉपर हो गए अब तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है यस लेट मी सी कौन आंसर देता है लेट मी सी कौन आंसर देता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है इसने क्या बनाने हैं प्रोटीन सो लेट मी जस्ट ड्रो ओवर हेयर इट्स वर्क इज टू फॉर्म प्रोटीन इसके पास राइबोसोम्स होते हैं ना प्रोटीन फैक्ट्री है ये प्रोटीन बेटा जी यहां पर कौन सा बनेगा न्यूरो ट्रांसमीटर अलग अलग टाइप के न्यूरोगरी ऑफरो ट्रांसमीटर तो मैं यहां पर बेसिक नाम लिख देती कैटेगरी ऑफ न्यूरो बना रहे होंगे ये न्यूरो ट्रांसमीटर बन तो रहे हैं ऊपर लेकिन अल्टीमेटली स्टोर हो जाते हैं इस स्ट्रक्चर में ये yes, इस स्ट्रक्चर में ये जो गोल गोल आपको बल्ब दिखाई दे रहा है दिस गोल गोल बल्ब इज कॉल्ड एज साइनाप्टिक वेसिकल प्टिक नॉब ये है साइनाप्टिक नॉब लेटमी राइट एक मिनट में छोटा करके देख ली दिस इज कॉल्ड एस साइनाप्टॉब इस साइनाप्टॉब के अंदर प्रेजेंट होता है साइनाप्टिक वेसिकल ये देखो इसके अंदर बेटा जी ऐसे गोल गोल प्रेजेंट होगा हम आज इसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर मैं न्यूरो ट्रांसमीटर को स्टोर करूंगी ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया है ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैंने पिंक कलर से बनाया है दिस इज कॉल्ड साइनाप्टिक वेसिकल इसका नाम है साइनाप्टिक वेसिकल इस वेसिकल के अंदर न्यूरो स्टोर होगा ठीक है ये कहानी समझ गए कि ऊपर बना और नीचे आकर स्टोर होगा अच्छा अब ये बना कौन रहा था फिर से याद करो निस्सल ग्रैन्यूल बना रहे थे ये निस्सल कहां कहां मौजूद है क्या ये पूरे के पूरे न्यूरॉन में मौजूद है नहीं बेटा ये ग्रैन्यूल इस न्यूरॉन के दो पार्ट में मौजूद है पहला सेल बॉडी दूसरा अगर आप ध्यान दोगे डेंड्राइट तक जा रहा है ठीक है सो दिस इज प्रेजेंट इन सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट क्या मैंने इसको एक्सॉन में बनाया यस yes. सोच के बताओ क्या मैंने देख के बताओ तो सोचना क्या है क्या मैंने इसको यहाँ एक्सोन में बनाया नहीं पार्ट जिसका नाम है एग्जॉन में नहीं होते हैं. सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में प्रस्तुत होते हैं नीचे नहीं मिलेंगे आपको इट चलिए अब चलते हैं इस लंबी सी पार्ट पे जिसको हमने नाम दिया एग्जॉन इस एग्जोन का सबसे सेंसिटिव पोर्शन यस इस एग्जॉन का सबसे सेंसिटिव पोर्शन यहां प्रेजेंट है मतलब जैसे ही अगर मैसेज यानी कि इंपल्स यहां पहुंचा तो फटाफट से आगे चला जाएगा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट दिस इज कॉल्ड एज एग्जॉन हेलॉक इसको हम लोग क्या बोलते हैं एग्जॉन हेलॉक बिल्कुल इसके टिप पर मौजूद होगा अब देखो मैंने बताया था नर्वस टिश्य किसका पार्ट है नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू का एक तो टाइप ऑफ सेल है न्यूरोन नर्वस टिश्यू में और भी टाइप के सेल्स होते हैं ये दो सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लायल सेल्स न्यूरोग्लायल सेल्स अगर आपके एनसीआर में एनिमल टिश्यूज होता तो मैं आपको बताती कि न्यूरोग्लायल सेल कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50 परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस नर्वस टिश्यू कहने को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तो मेरा न्यूरोन है तो ज्यादा अमाउंट तो इसका होना चाहिए बट यहीं पर तो कैच है डाउट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मेरा न्यूरॉन है लेकिन 50% परसेंट से ज्यादा वॉल्यूम नर्वस टिश्यू का किसके पास है इसके supporting cells के पास न्यूरोग्लायल सेल शॉन सेल होते बेटा जी. Uh, shorn cell. Shorn cell एक न्यूरोग्लायल सेल है आपके पास astrocytes. मैं सारे दिखाऊंगी अभी थ्री में डोंट वरी सारे सेल्स है अपने पास एस्ट्रोसाइट्स न्यूरोग्लायल सेल है देन मेरे पास माइक्रोग्लायल सेल्स ये सब क्या है न्यूरोग्लायल सेल्स है मतलब न्यूरॉन आपके ब्रेन में आपकी स्पाइनल कॉर्ड में अकेला नहीं बैठा है उसको साइड पे सपोर्टिंग टिश्यू भी चाहिए और वो सपोर्ट करने वाले सेल्स जो पैकेजिंग सेल्स का भी काम कर रहे हैं यहां पर उनको हम लोग बोलते हैं न्यूरोग्लायल सेल अब इस एक्सॉन के अराउंड वन टाइप ऑफ न्यूरोग्लायल सेल इज प्रेजेंट मैं एक टाइप यहां बनाऊंगी मल्टीपल अलग भी हो सकते हैं वो भी लिखेंगे एक तरीके का न्यूरोग्लायर सेल यहां पर मौजूद है एंड दैट सेल इज श्वान सेल लेट मी से जो आज पहली बारी मेरे से पढ़ रहा है पहली बारी मेरे से पढ़ रहा हो। तब बच्चे मुझे पहले से जानते हैं अगर आप सब मुझे पहले से जानते हैं अपने स्कूल वालों को भी बताया करो आपके स्कूल में ट्यूशन में मोहल्ले में अगर आप किसी नी टास्क को जानते हैं जो मैम को नहीं जानता है ठीक है उसके बारे में उसको मेरे बारे में जरूर बताइए लिंक ट्री उसके साथ शेयर कीजिए उसका बहुत हेल्प हो जाएगा मुझे नहीं पता वो बच्चा कोचिंग ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है मुझे नहीं पता कि उसकी फैमिली सिचुएशन क्या है घर पे ठीक है सब या नहीं है क्योंकि आई टॉक टू स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस एंड आई नो वट स्ट्रगल्स वट चैलेंजेस दे आर गोइंग थ्रू बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा फाइनेंस फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हैं घर में उनके पेरेंट्स के साथ भी कुछ ना कुछ चल रहा है तो आई रियली वॉन्ट कि अगर आपको कोई भी बच्चा जानता है और वो नीट एस्पिरेंट है तो उसकी मदद के तौर पे आप उसे वो लिंक ट्री जरूर शेयर करें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ तैयारी तो वो डेफिनेटली कर सकता है वहां से मैं ये नहीं कहती कि क्रैक कर जाएगा बट हां उसको एक सपोर्ट जरूर मिलेगा कि मेरे पास एटलीस्ट बायो का तो पूरा रेपोजिट्री है अच्छे लेक्चर हैं अच्छी पीडीएफ है जहां से मैं अपना सिलेबस पूरा कर सकता हूं ठीक है बता दिया करो उन्हें ओके तो मैंने बेटा यहाँ पर वन कैटेगरी ऑफ न्यूरोग्लाय सेल बनाया है एंड यहां जो मैंने सेल बनाया है दिस सेल इज कॉल्ड एज श्वान सेल क्या नाम दिया मैंने इसको श्वान सेल ठीक है कौन सा सेल है ये न्यूरोग्लायल सेल है एंड से का का उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं माइलिन ठीक है कुछ में करता है कुछ में नहीं करता फॉर एग्जाम्पल इस न्यूरोन में कर रहा है तो इसने व्हाइट से कलर का एक केमिकल रिलीज किया उस केमिकल ने यहां पर एक प्रॉपर शीत बना ली देख रहे हो श्वान सेल थे श्वान सेल ने केमिकल रिलीज किया एंड इस केमिकल का नाम है माइलिन तो यहां पर माइलिन ने पूरी शीत बना ली ओके यस, ठीक है तो माइलिन ने इस तरीके से पूरी शीत बना ली ये एक केमिकल है एक इंसुलेटर भी इंसुलेटर क्या होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी तो इसने एक शीत बना ली है इस शीत को हम लोग बोलते हैं माइलेन शीट किस कलर का अपेरेंस देगी बेटा ये व्हाइट कलर का तो जहां जहां कल हम ब्रेन में व्हाइट मैटर पढ़ेंगे ना वहां माइलेन हो समझ रहे हो कल ब्रेन करना है हमने ब्रेन में मैं आपको ग्रे मैटर व्हाइट मैटर बताऊंगी तो जहां जहां हम व्हाइट मैटर का नाम लेंगे चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड में लें चाहे वो आपके सेरिब्रम में लें वहां वहां पर माइलिन शीत प्रस्तुत होगी ठीक है तो कौन सा कलर देती है व्हाइट कलर देती है और इसका काम क्या है ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगी मतलब यहां से करंट पास नहीं होगा नहीं होगा इज दिस क्लियर और नॉट इज दिस क्लियर और नॉट अब ये जो श्वान सेल है ये आपको पूरी बॉडी में सारे न्यूरॉन्स में नहीं मिलेगा जो न्यूरॉन्स आपके पीएनएस का हिस्सा है आपका नर्वस सिस्टम ना दो तरीके का होता है बेटा नर्वस सिस्टम दो तरीके का होता है वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग सीएनएस बोलते हैं वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम पीएनएस बोलते हैं अगर मुझे माइलिन पीएनएस में बनाना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनाना है तो यहां पर माइलिन बनाने वाला कौन सा सेल होगा श्वान होगा अगर मुझे माइलिन सीएनएस में बनाना है अगर मुझे माइल इन ब्रेन सीएनएस मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड यहां पर बनाना है तो यहां पर एक डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जिनका नाम है डेंड्रोसाइट ठीक है तो माइलिन शीथ हर जगह पे अलग टाइप का सेल बना रहा है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में देखें तो ओलिगो डेंड्रोसाइट बना रहे हैं अगर मैं अपने पीएनएस में देखूंगी तो कौन बना रहा है श्वान सेल बना रहा है अगर माइलिन शीथ प्रस्तुत है तो ये न्यूरॉन का नाम क्या हो गया इस न्यूरॉन का नाम हो जाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन बोल सकते हैं माइलीनेटेड न्यूरॉन है ये कैसा न्यूरॉन है. है? हाँ, है. होंगे? हाँ, होंगे. है. है ये होंगे श्वान, श्वान सेल तीसरा श्वान सेल ऐसे लाइन में लगे होंगे ठीक है जी अब वो माइलिन रिलीज कर देगा तो माइलीनेटेड न्यूरॉन हो जाएगा अगर वो माइलिन रिलीज नहीं करेगा तो वो नॉन माइलीनेटेड न्यूरॉन हो जाएगा तो श्वान सेल के

यस और नो बताते जाओ एक्सोन के पास ये व्हाइट कलर की आपको मेम्ब्रेन दिख रही है दिस कॉल्ड क्या नाम दोगे? जैसे हमने मस्कुलर सिस्टम में सारको लेमा पड़ी थी ना वो स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सेल की मेम्ब्रेन थी ये एक्सोन की मेम्ब्रेन है तो एक्सोलेमा इस एक्सोलेमा के अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा हाँ होगा जैसे ऊपर के सेल में ये भी तो साइटोप्लाज्म है सारा तो इसके पास भी होगा साइटोप्लाज्म हियर द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज़ एक्सोप्लाज्म अच्छा क्या कोई बच्चा मुझे डिफरेंस बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन एंड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बॉडी क्या अंतर है ये साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन है ये एंड ये है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बॉडी अंतर क्या है एक अंतर है सामने लिखा है वैसे तो आपके यस yes, क्या आई एम लुकिंग एट द पूरे आने चाहिए जिस जिसने दे है, वो बच्चे फटाफट से सेशन को लाइक भी कर दो यस कमॉन कमॉन वेरी गुड कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं अंजलि एब्सोल्युटली राइट आंसर दैट इज आर हमें निस्टल ग्रेन्यूल्स नीचे नहीं मिलते हैं एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में नहीं मिलेंगे हमें वो सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में ही मिलेंगे अच्छा ये बात हो गई मेरे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की यहां पर थोड़ा सा इस टाइप का न्यूरॉन दिखाई दे रहा है ध्यान देना इस टाइप का न्यूरॉन दिखाई दे रहा है मैं बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर बना रही हूं ये body, ये सेल बॉडी है मैंने बड़े सारे डेंड्राइट बना दिए डेंड्राइट बना दिए ये मैंने एग्जॉन बना दिया ऐसा सा न्यूरॉन दिखाई दे रहा है काम क्या होता है इन डेंड्राइट और एग्जॉन का या ओवरऑल इस नर्वस टिश्यू का, का काम क्या है इस नर्वस टिश्यू का, का काम है टू ट्रांसमिट मैसेज

क्या बोलते हैं मैसेज को इंपल्स तो ट्रांसमिट ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर है ना हमें क्या करना है इंपल्स को ट्रांसमिट करना है यही न्यूरॉन मिलकर बॉडी में गुच्छा सा बना लेते हैं और पूरी नर्व की तरह दिखाई देते हैं आर यू रेडी टू वॉच दिस हाउ नर्वस सिस्टम फैला हुआ है इन द बॉडी हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी इंग्लिश होगी आज ठीक है किस तरीके से नर्वस सिस्टम आपका फैला हुआ है चलो सेल का नाम था न्यूरॉन न्यूरोन इकट्ठा होके है नर्व एंड नर्व बेटा जी इस तरीके से फैली हुई है लेट मी शो यू यस एक मिनट रुकिए दिखा रही हूं कर रही हूं जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड न्यूरॉन बेटा न्यूरॉन बहुत सारे ग्रुप बनाकर नर्व्स बना लेते हैं दिस इज हाउ द नेटवर्क ऑफ नर्व्स इज प्रेजेंट इन योर बॉडी हां जी जस्ट यहां पर ध्यान देना ये देखिए <laughs> दिख रहा है इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा है whole nervous system. इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो क्या दिख रहा है मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ नर्वस सिस्टम में बेसिकली आपको ब्रेन वाला हिस्सा दिखेगा एंड आपको ये पीछे प्रेजेंट स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देगी इसके अलावा बेटा देख रहे हो किस तरीके से ये जो ऑरेंज कलर की आपको नेटवर्क था बनता हुआ दिखाई दे रहा व्हाट इज दिस नेटवर्क दिस ऑल आर नर्व्स ग्रुप ऑफ नर्व्स प्लेक्सस बने हुए हैं ये ये नर्व कैसे बना न्यूरॉन के ग्रुप से मतलब आपकी बॉडी में न्यूरॉन इस तरीके से जत्था बना दे रहे हैं और जत्थे को हम बोल रहे हैं नर्व एंड दिस इज द नेटवर्क ऑफ नर्व्स व्हिच इज प्रेजेंट इन योर बॉडी इसमें क्या होगा इससे क्या होगा अल्टीमेटली मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जाएगा आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये बॉडी के हर सेल से कनेक्टेड ऑलमोस्ट। कैसे हेल्प ऑफ दिस ओनली मतलब अगर ब्रेन ने कुछ सोचा है ब्रेन ब्रेन मुझे बोलना चाहता है अप दिस पेन मुझे मैसेज भेजेगा तो कोई ना कोई क्रेनियल नर्व के थ्रू मैसेज आएगा मेरे हाथ के पास फिर मेरा हाथ उसको पिक करेगा पिक करने के बाद हमारा एक्शन जो है वो पूरा होगा तो ये सब चीजें ये काम करना मैसेज ब्रेन से आना या यहां से मैसेज ब्रेन को जाना स्पाइनल कॉर्ड को जाना दिस इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स एंड इट थ्रू योर न्यूरॉन मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर से दीज ऑल आर नर्व्स ये सारी नर्व्स है ये नर्व्स अल्टीमेटली किससे बनी है आपके न्यूरॉन से बनी है मतलब अगर मैं देखूं न्यूरॉन का काम भी क्या होगा माइक्रो बिल्कुल तरीके से देखो न्यूरॉन का काम भी क्या होगा मैसेज को भेजना है ना मेरे बच्चों न्यूरॉन का काम भी क्या हो जाएगा मैसेज को भेजना अब अगर न्यूरॉन बेटा मैसेज भेजना चाहता है तो कहां से कहां मैसेज जाता होगा जरा सोच के देखो क्या मैसेज का डायरेक्शन ये होगा या मैसेज का डायरेक्शन ये होगा या मैसेज का डायरेक्शन ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता है दिमाग लगाओ कैसा होगा मैसेज का डायरेक्शन यस <laughs> yes. कैसे जाएगा मैसेज अगर मैं इंपल्स बोल रही हूं यहां पर मतलब हम मैसेज की ही बात कर रहे हैं कैसे भेजें यार इसको क्या ऊपर से नीचे भेजें डेंड्राइट तो साइटॉन भेजें साइटोन तो टू डेंड्राइड भी भेज देते हैं फिर एक्सॉन से उल्टा ही भेज देते हैं कैसे जाएगा द फ्लो ऑफ इंपल्स द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज सिंगल एक ही दिशा में मैसेज जाता है ये जो डेनराइट हैं, ये रिसीविंग बॉडीज हैं, ये इम्पल्स को रिसीव करते हैं एरोस देखो बेटा रेड कलर को देखना इन्होंने रिसीव करके मैसेज भेज दिया साइटोन को साइटोन फिर आगे मैसेज किसको भेजता है एक्सॉन को सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स लेट मी जस्ट प्लेस इट ओवर हेयर यस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगी तो यह मैसेज कहां से कहां जाएगा रिसीव किसने किया Dendrite ने 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 किसको दिया? दिया. कि Cytone? Cytone ने किसको दिया 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 सेल सेल बॉडी बॉडी को यानी कि साइटोन साइटोन यह मैसेज एक्सॉन को दिया क्या यह मैसेज उल्टा जा सकता है क्या यहां से यहां भेज दे दें यहां से यहां भेज दे नहीं बेटा मैसेज का जो डायरेक्शन है वो एक ही रहेगा इसीलिए इसको बोलते हैं हम यूनी डायरेक्शनल फ्लो यहां पर जो मैसेज है हमेशा साइटॉन से नीचे की की तरफ जाएगा कभी को सेम न्यूरॉन बात हो रही है एक न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन कभी साइटॉन को नहीं देंगे ओके ये बात क्लियर होगी अब मैसेज जाएगा कैसे मतलब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं मैसेज जा रहा है मैसेज जा रहा है जहां कैसे रहा है हु कौन सी फिजिकल बॉडी कोई बस लगाया है कोई ट्रैक्टर लगाया है कोई ट्रेन लगाई है कौन मैसेज लेकर जा रहा है या फिर मैसेज किस फॉर्म में जा रहा है क्या amazon का डब्बा है मैसेज या मैसेज कोई आ, मिंत्रा का बॉक्स है नहीं मैसेज बेटा कोई बॉक्स नहीं है यहां पर मैसेज इंपल्स का मतलब है करंट फ्लो करना इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करना तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस में हेरफेर हो रहा है हम उसी को बोलते हैं इंपल्स जा रहा है ठीक है यस इसके बारे में भी अभी डिटेल में चर्चा होगी चलिए तो अभी जो हमने न्यूरॉन किया वो इस टाइप का किया अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इस न्यूरॉन में डेंड्राइट तो बड़े सारे थे है ना बड़ी सारी जगह से मैसेज आया और एक्सॉन एक ही था इस टाइप के न्यूरॉन जिसमें मल्टीपल डायरेक्शन से मैसेज आ रहा है ये देखो यहां से भी आया यहां से भी आया यहां से भी आया मल्टीपल डायरेक्शन फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन के लिए यूज होता है वर्ड िटी या यूज होता है पोलैरिटी तो यहां पर जो मैसेज आया वो मल्टीपल डायरेक्शन से आने की क्षमता है जैसा अभी हमने बनाया ठीक है इस टाइप के न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या बोलते हैं इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन मल्टी मतलब मैनी पोलर मतलब डायरेक्शन बहुत सारे डायरेक्शन से मैसेज आ रहा है तो ये जो मैंने बनाया है ये जो मैंने बनाया है क्या बनाया मल्टीपोलर न्यूरॉन बनाया है. है ना क्या बनाया बेटा हमने मल्टीपोलर न्यूरॉन बनाया है. अब क्या सारे बॉडी में सारे ऑर्गेनिजम्स के पास मल्टीपोलर ही होता है हमारे ब्रेन में तो भैया ये, इट इज लोकेटेड इन आवर ब्रेन अनडाउडली नहीं हर जगह ऐसा नहीं होता है शुरुआत से बात करते हैं बिल्कुल बेसिक पहले के जमाने में मतलब जब नर्वस सिस्टम आया ही था क्या कोई बता सकता है नर्वस सिस्टम फर्स्ट कौन से फाइलम में आया एक बात से दूसरी बात निकलती है एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर ये चैप्टर अकेला थोड़ा है इसमें बहुत सारी बात एनिमल टिश्यूज की की है है बहुत सारी बात एनिमल किंगडम नेम द फर्स्ट फाइलम जिसमें न्यूरॉन जैसा सेल इंट्रोड्यूस हुआ इंट्रोड्यूस हुआ वेरी गुड डेबलिनाल राइट सो फर्स्ट फाइलम जिसमें सबसे पहले इस टाइप इस सिस्टम का सेल आया दैट इज नाइडेरिया हाइड्रा वाला सिलेंड्रेटा ठीक है जी सबसे पहला नंबर किसका आया था नाइडेरिया का खैर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था प्रॉपर सिस्टम नहीं था यहां तो सिर्फ इस टाइप के सेल का ना जाल बना हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व नेट क्या था इसके पास नर्व नेट था इस जाल से में वो थोड़ा अपना मैसेज इधर उधर भेज देते थे प्रॉपर इस तरीके का एडवांस न्यूरॉन नहीं बना हुआ था तो ये तो सबसे एडवांस टाइप का न्यूरॉन मैंने बता दिया मल्टीपोलर न्यूरॉन जब अगर मैं बात करूं इन वर्टिब्रेट्स की तो वहां पर सिचुएशन ऐसी है देखो द सेल इज लाइक दिस देख रहे हो यस yes. ये मेरे पास सेल है और सेल में से एक ही प्रोसेस निकल रहा है ओनली वन प्रोसेस इज कमिंग आउट मतलब यहीं से मैसेज जाना है यहीं से मैसेज आ जाना है ठीक है अलग से नहीं है देखो ऊपर तो क्या था डेंड्रॉइड डेंड्रॉइड्राइड रिसीव कर रहे थे एक्सॉन ट्रांसमिट कर रहा था यहां पर ऐसा मामला नहीं है यहीं से आया यहीं से चला गया सिंगल पोलरिटी ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन यूनिपोलर न्यूरॉन किसमें मिलता है इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है हम में नहीं होता वर्टिब्रेट्स में नहीं होता लोअर एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स में ऐसा होता है देन वन टाइप ऑफ न्यूरॉन इज लाइक दिस वन टाइप ऑफ न्यूरॉन इज लाइक दिस ये देखिए ये मेरे पास ये मेरे पास सेल बॉडी है ठीक है ये सेल बॉडी का एक यहां से वन प्रोसेस सेकंड प्रोसेस यहां से टू प्रोसेसेस हो गए

पोलर न्यूरॉन मिलेंगे बाइपोलर समझ आ गया दो पोलैरिटी एक जगह से आ रहा है एक जगह से जा रहा है अब एक कुछ सेल्स होते धोखेदार वाले सेल्स ये देखिए ये मेरे पास सेल बॉडी थी समझ समझना सेल बॉडी थी सेल बॉडी से एक प्रोसेस निकला अभी तक इसको क्या बोलोगे यूनिपोलर बोल सकते हो एक ही प्रोसेस निकला ना यूनिपोलर बोल दिया लेकिन हमें लग रहा था कि यूनिपोलर है बट अल्टीमेटली इट बाइफरकेटेड इनटू टू, टू पार्ट्स हमें पहले लगा कि अरे तो यूनिपोलर है बट बाइफरकेट हो गया This type of neuron, जो बाद में जाके हो रहा है जो हमें धोखा धोखा दे रहा है यूनिपोलर होने का इसने हमें दिया और बाद में जाके बाई हो गया इसको हम लोग बोलेंगे यूनिपोलर इसको हम लोग क्या बोलेंगे pseudo. Pseudo false कहां प्रस्तुत होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे लोकेशन डॉसल रूट गैंगलियन ऑफ पर मिल जाएंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है बट साथ, साथ लिखा करो तभी बायो में कुछ सीख पाओगे बायो में रीडिंग से लर्न नहीं होता है नहीं होता है लिख लिख कर करना पड़ता है मतलब जो इनिशियल फर्स्ट मेमोरी जो आपकी टॉपिक की बननी चाहिए वो लिख कर बननी चाहिए ओके okay, चलिए तो ये बात होगी मेरे टाइप्स ऑफ न्यूरोन की ये जो मैंने न्यूरोन बनाया मल्टीपोलर न्यूरोन ओके अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं कि हमने मैसेज भेजना है बात तो है कि मैसेज भेजना है मैसेज भेजने से पहले मैं आपको दिखा दू है ना पहचान करा दू सारे न्यूरॉन्स की फिर हम मैसेज भेजते हैं शो यू रेडी तो सेशन को लाइक like कर दो अभी आने वाला आपके सामने आने से पहले सेशन को लाइक कर दो यस yes. जी कर दिया हाँ जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं इलेवेंथ वाले भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं इस सीरीज से। ना ये क्रैश कोर्स है बेटा ना ये वन शॉट है ठीक है तो एब्सोल्युटली अगर आप इलेवेंथ में हैं, तो भी आपको हंड्रेड परसेंट समझ आएगा आप ड्रॉपर हैं, तो भी आपको समझ आएगा आप ट्वेल्थ में तो तो समझ आएगा सब बच्चे इसको अटेंड करें क्योंकि मैं कभी भी किसी बच्चे के साथ आप मेरे यार लिंक ट्री जाके देख लो लिंक ट्री में आपको पता चल जाएगा मैम का कोई कोई भी भी सेशन हो 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 चाहे टू शॉर्ट 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 वन फाइव टॉपिक हमारा कभी मिस नहीं हुआ है कोई भी ऐसी चीज हम छोड़ते नहीं है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं माई क्रैश कोर्स वुड नेवर बी लाइक कि आपको मैंने क्रैश कर दिया <laughs> नहीं हर चीज होगी और यहां पर तो हम आराम से कर रहे हैं अभी बहुत समय है तो डोंट वरी ओके तो पहले मैं हटा देती हूं कुछ सेल्स को फिर वापस लेके आऊंगी ओके okay. uh, सबसे पहले इन सेल्स को देखो जो जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है कैन यू सी ये देखिए जिन सेल्स को मैं हाईलाइट कर रही हूं ये स्टार की तरह दिखाई नहीं दे रहे? क्रीम कलर के सेल्स को देखो बेटा किन को क्रीम वाले सेल्स को देखो दिख रहा है हां जी ये जो क्रीम कलर के सेल्स हैं दीज आर नन अदर देन दी एस्ट्रोसाइट्स ये क्या है एस्ट्रोसाइट्स है देखो मैंने हाइड किया फिर वापस ले आए अब दिख रहा है मिनट रुको यस ध्यान देना अब ये सेल्स थे डाइसेक्ट किया फिर वापस आ गए तो देख रहे हो न्यूरॉन्स के बीच में जो जाल प्रेजेंट है ये जाल किसका प्रेजेंट है न्यूरोग्लायल सेल वन टाइप ऑफ न्यूरोग्लायल सेल इज दीज एस्ट्रोसाइट्स अब मैं इनको रिमूव कर देती हूँ यहां से हां जी रिमूव कर दिया एस्ट्रोसाइट यहां से हटा दिए और भी बहुत सारे तरीके के न्यूरोग्लायल सेल है ये देखिए ये दिख रहा है ये वाला सेल दिस सेल इज ऑल्सो टाइप ऑफ न्यूरोग्लायल सेोग्लायल सेल ये पता है क्या है ये है माइक्रोग्लायल सेल तो ये भी तो ग्लायल सेल है दूर दूर प्रेजेंट है देखो यहां भी प्रेजेंट है नीचे भी प्रेजेंट है, है ना साइड पे प्रेजेंट है तो ये भी एक तरीके का पैक करने के लिए प्रेजेंट है तो इनको भी रिमूव कर देते हैं डाइसेक्ट कर दिया अब ये वाले सेल देखिए दिख रहे हैं ये वाले नो नो नॉट दिस वन दिस वन कैन ये जो वायलट कलर के सेल आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो वायलट कलर के सेल्स हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपकी माइलिन शीत के साथ जुड़े हुए हैं कैन यू सी ये जो वायलट वाले सेल्स हैं, ये एक तरीके से माइलिन शीत के साथ जुड़े हुए हैं दे आर योर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये माइलिन शीथ बना रहे हैं ये सारे सेल्स कौन से हैं ये है आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ओलिगोडेंड्रोसाइट कहां पर है सीएनएस में में ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है बताइए क्या करता है ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ बनाता है तो ये इस तरीके से आपके एक्सॉन के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है तो इसको मैं हटा देती हूँ ताकि हम क्लैरिटी देख पाए डाइसेक्ट कर दे गायब ठीक है ओलिगोडेंड्रोसाइट मैंने गायब कर दिए अब मेरे पास एक मिनट रिमूव कर देते हैं ये सेल्स है। अच्छा अब मेरे पास ये ब्लू वाले सेल्स बच गए ये सेल्स कौन से है मेरे न्यूरोन ये सेल्स अब कौन से बच गए न्यूरॉन तो न्यूरॉन बेटा जी अकेला नहीं होता इसके बीच बीच में आपको न्यूरोक्लाइन सेल्स भी दिखाई देंगे लुक एट दे 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 द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कैन यू सी द सेल बॉडी

देख रहे हो कैसे कनेक्टेड कैसे कनेक्शन है आपस में ये पूरे का ग्रुप को ही नव बोलते हैं हाँ हां जी चलिए अब मैसेज को भेज दे <coughs> मजा आया कि नहीं आया देख के मजा आया कि नहीं आया अब तक तो हम न्यूरॉन सिर्फ बनाते थे अब हमने इसको प्रॉपर थ्री में भी देखा सारे अरेन्जमेंट देखा किस तरीके से सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं ग्लायल सेल न्यूरोन के सेल सो दिस इज हाउ दे आर लोकेटेड इन आवर सिस्टम अब बढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स मैसेज को भेजना है एक जगह से दूसरी जगह मैसेज किस फॉर्म में जाता है इलेक्ट्रिकोलर केमिकल ध्यान देना ये एक न्यूरॉन है ये इसके डेंड्राइट हैं सूरज की तरह बना दूंगी सिंपलीफाइड फॉर्म में बनाऊंगी ये इसका एक्जॉन है ये मान लीजिए दूसरा न्यूरॉन है ये उसके डेंड्राइट है ये हमारा एक्सॉन है फिर ये मेरा तीसरा न्यूरॉन है इसकी डेंड्राइट्स है एंड इसकी एक्सॉन एक्सॉन टर्मिनल है मैसेज को रिसीव कौन करता है अरे हाँ एक चीज रह गई वेरी गुड वेरी गुड श्रेष्ठ चैतन्य बिल्कुल सही एक चीज बेटा हमारी लेबल करनी रहेगी वो कर लो यार दुख हो जाएगा नहीं तो कि एक्न में जहां जहां पर माइलेन है वो तो चलो ठीक है कुछ कुछ पोर्शन ऐसा है कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनवीअर अगर हम नहीं लिखते ना और सवाल आ जाता तो तुम छोड़ते नहीं सीट मैम को है ना दिस इज नोड ऑफ रैनवीयर चलो जहां पर माइलिन शीथ शीत एबसेंट है अब आ जाओ ओके मैसेज को रिसीव कौन करता है Of नहीं रिसीव करते यार, गलत जवाब। <coughs> कौन रिसीव करता है को? आनंद आ रहा है। को? भरपूर राशि कह रही है भरपूर है। अभी और आनंद आएगा क्योंकि अभी तो टिपिकल शुरू होने वाला है। मेरे बच्चों बताएं। बिल्कुल सही है डेंड्राइट रिसीव करते हैं सुनीता शर्मा तो पहला न्यूरॉन देखिए मैसेज को रिसीव किसने किया डेंड्राइट डेनराइट ने इस मैसेज को दिया साइटोन साइटोन ने इस मैसेज को दिया एग्जॉन की एंडिंग तक है ना यहां से यहां मैसेज गया गया? एक न्यूरॉन के अंदर ध्यान से सुनना एक न्यूरॉन के अंदर मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू द एंड पॉइंट जाता है हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस के हेर फेर से इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन मतलब अगर मैं सेकेंड न्यूरॉन लूंगी तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो मैसेज जाएगा वो ऐसे ऐसे चलते हुए जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाएगा किसकी इलेक्ट्रिकल फिर तीसरे न्यूरॉन को देख लो इस कर, इस पॉइंट पॉइंट से लेकर तक जो मैसेज जाएगा इलेक्ट्रिकल मतलब चार्जेस के हेर -फेर से जाएगा चलिए पता चल गया अबाउट दिस गैप गैप इस gap में भी तो मैसेज को भेजना है जी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैसेज कैसे जाएगा दो तरीके हैं अगर तो ये दोनों न्यूरॉन नजदीक हुए तो तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चला जाएगा लेकिन मान लो ये दूर दूर हुए तो हमें केमिकल की मदद लेनी पड़ेगी ठीक है वो डिपेंड करता है कितना इसमें गैप है सबसे पहले इसमें मैसेज कैसे गया इलेक्ट्रिकल यहाँ गैप ज्यादा है तो केमिकल इसमें कैसे गया इलेक्ट्रिकल गैप ज्यादा है तो केमिकल इसमें कैसे गया इलेक्ट्रिकल तो इस टाइप के ट्रांसमिशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल ट्रांसमिशन बोल सकते हो देखो मान लो बड़ी नजदीक नजदीक सिचुएटेड है कोई गैप ही नहीं है तो तो सारा ही इलेक्ट्रिकल हो जाएगा लेकिन मान लो अच्छा खासा गैप है मोर देन नैनोमीटर गैप चल रहा है तो तो केमिकल की मदद लेनी पड़ेगी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पहले मैं आपको इलेक्ट्रिकल बताऊंगी फिर मैं आपको केमिकल बताऊंगी बस आज का टास्क यही है ब्रेन कल करना है हम जो करेंगे तरीके से करेंगे दौड़ने भागने से नहीं होगा मैंने बताया था आपको खरगोश नहीं कछुआ बनना है खरगोश की तरह हर दिन एक एक चैप्टर सुपरफिशियली सुपरफिशियली करते जा रहे हो कहने को तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है बट बेटा आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं सीख पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन तो डेप्थ में आता है ना वो डेप्थ समझने के लिए समय देना पड़ेगा अभी सुपरफिशियल का समय नहीं है थर्टी टू चैप्टर अगर मैं सुपरफिशियल कराऊंगी मुझे थर्टी टू डेज लगेंगे क्या थर्टी टू डेज बचे हैं पेपर में नहीं पेपर में तो अभी छह महीने बचे हैं तो तरी जितना करो उतना तरीके से करो सवाल निकलना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट टास्क गलत टारगेट है गलत है करना है syllabus करना करना भाई अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना शुड बी द टारगेट आप टारगेट ही गलत सेट करते हैं फिर आप खरगोश की तरह लगे हैं एक दिन में एक बड़ा बड़ा चैप्टर हो एक बड़ा चैप्टर एक दिन में कर दिया फिर बड़ा चैप्टर एक दिन में कर दिया बैलेंस इज द की बैलेंस वे में चलेंगे थोड़ा बायो तरीके से किया फिजिक्स तरीके से किया केमिस्ट्री तरीके से किया कि एक बारी सॉलिड तरीके से होता जाए ये नहीं कि कहने को मैंने आज चार चैप्टर कर दिए दो फिजिक्स के एक बायो के एक केमिस्ट्री का बट मेरा सवाल तो एक में से भी नहीं निकलता अल्टीमेटली पेपर तो क्वेश्चन में आना है ये एनटीए वाले पेपर पूछेंगे कि भाई आपने किसने सिलेबस जल्दी किया था किसने चार बारी किया था किसने पांच बारी किया था ये नहीं पूछा जाएगा ठीक है तो रियल चीज के पीछे भागिए ऐसे होड़ में भीड़ में या फिर अंधुंध मत चलिए अंधाधुंध चलने का टाइम खत्म हो गया ठीक तो पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन करेंगे क्या करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कर लें यस मेरे बच्चों यही बस टफ है दूसरा तो बड़ा आसान है केमिकल वाला तो क्लास टेंथ में भी किया था नई एडिशन इलेवेंथ में क्या हुई है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की हुई है करें चलिए तो एक न्यूरॉन ऐसा है एक मिनट रुकिए मैं उसको कॉपी कर लू Hmm. मान लीजिए मैंने ये न्यूरॉन को यहां से कॉपी कर लिया रुकी है। एक मिनट ये देखो डोंट वरी यहां पे बनाना नहीं है दोबारा ये मैंने न्यूरॉन को कॉपी किया अब जरा ध्यान देना क्या मैं इस न्यूरॉन को ऐसे करके रख सकती हूँ कैन आई पुट इट लाइक दिस बताना क्या मैं इस न्यूरॉन को इस तरीके से रख सकती हूँ तो बनाया था लेकिन अब मैं इसको ऐसे करके रख रही हूँ मतलब अग, अब अगर जब मैं इसकी एक तो मैं इसकी बनाऊंगी तो इस तरीके से बनाऊंगी सो नाउ आई एम यूटिलाइजिंग दिस न्यूरॉन लाइक दिस अब मैंने ऐसे न्यूरॉन को ऐसे रख दिया कोई सक शंका नहीं है कोई दिक्कत नहीं है चलिए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चों को आपने ऐसे करके रख दिया ठीक है अब पहले एग्जॉन लंबे में बनाते हैं अब हम एक्सॉन ऐसा बनाएंगे सिर्फ एक्सॉन बनाऊंगी यस yes. तो देखिए अब मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन बना दिया ठीक बना सकते हैं ये एग्जॉन की है की मेमरेन को हम लोग क्या बोलते हैं एग्जोलेमा बोलते हैं अंदर का जो माल मसाला है इसको क्या बोलते हैं एक्सोप्लाज्म ठीक अंदर जो भी साइटोप्लाज्म इसका है दैट इज एक्सोप्लाज्म याद रखना है कोई भी सेल अगर है बॉडी का कोई भी सेल अगर है सेल के बाहर जो फ्लूड होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड इस फ्लूइड में सो सोडियम आयन प्रस्तुत होते हैं कोई भी बॉडी का सेल है ये भी तो सेल है सेल के बाहर ईसीएफ में ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड में सोडियम आयन होता है सेल के अंदर अंदर हमेशा पोटेशियम आयन का कंसेंट्रेशन होता है एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन का कंसेंट्रेशन होता है क्या क्या होता है पोटेशियम आयन होता है एंडटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं ये सिचुएशन हर सेल में हर सेल में है और अंदर नेगेटिवलीस और पोटेशियम आयन ज्यादा है तो नेट चार्ज अगर देखा जाए नेट चार्ज आउटसाइड द नेट चार्ज इज पॉजिटिव क्योंकि बाहर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आय ये देखो सेल के बाहर नेट चार्ज कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव सेल के अंदर नेट चार्ज कौन सा हो जाएगा नेगेटिव अब ये नहीं कोई बच्चा बोलेगा कि मैम अंदर तो पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम आयन थे अंदर नेगेटिव कैसे लिख दिया कंपैरेटिवली लिखा बेटा बाहर अगर अकेला पॉजिटिव है अंदर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है तो बाहर ज्यादा पॉजिटिव है ना

कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से बेटा कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर रेस्टिंग अभी सेल क्या कर रहा है रेस्टिंग है यहां पर रेस्टिंग पोटेंशियल भी होता है हमने कैलकुलेट किया कि भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैलकुलेट करने के बाद आया इसका पोटेंशियल डिफरेंस माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट है माइनस क्यों है माइनस क्यू है क्योंकि सेल के अंदर नेगेटिव है ना तो जो अंदर होगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इस समय सेल का कितना है माइनस सेवेंटी क्यों क्योंकि अंदर अल्टीमेटली नेट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है कैसे निकाला क्या थोड़ रहे से निकाला क्या होता है मैम अगर आपने केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा है तो ठीक है नहीं पढ़ा है तो भी चल जाएगा इट्स ओके okay. ये रेस्टिंग स्टेज है अभी कोई मैसेज आया नहीं है अब इसी एक्सोलेमा को मैं थोड़ा सा बड़ा करके अगले पेज पे बना रही हूँ इसी एक्सोलेमा को इतने से हिस्से को बनाऊंगी बेटा अगले पेज पे समझना इसको ये मैंने एक्सोलेमा बनाई फिर से समझाने के लिए बना रही हूं इस एक्सोलेमा में कुछ द्वार हैं क्या है द्वार है तो द्वार बना देते हैं यस कुछ गेट्स हैं कुछ चैनल्स हैं सो दिस इज वन टाइप ऑफ चैनल जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया दिस इज अनदर टाइप ऑफ चैनल ठीक है जो मैंने यहाँ पर आ, ये कौन सा कलर है ऑरेंज जो भी है ठीक है इस कलर से बनाया ये जो चैनल होते हैं है ये दिस इज एक्सोलेमा ये जो चैनल्स होते हैं ना बेटा इस मेम्ब्रेन में प्लाजो मेम्ब्रेन है बेसिकली इस प्लाजो मेम्ब्रेन में ये जो चैनल है इनका कोई गेट ही नहीं है हमेशा खुले हैं हमेशा खुले हैं यानी कि इनमें से हर समय आयंस अंदर आएंगे आयंस बाहर जाएंगे हर समय ये कोई गेट नहीं है इनका दे आर ऑलवेज ओपन जो हमेशा खुले होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लीकी चैनल्स 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 हर हर समय समय इसमें से सामान लीक हो रहा है हर समय. ठीक है ठीक अब ये वाले जो ये वाले वाले जो जो हैं हैं बेटा जी जो है, इन पे तो गेट लगा हुआ है गेट मतलब अगर ये गेट खुलेगा जोर लगाओगे तभी ओपन होंगे नहीं तो नहीं होंगे अब ये गेट क्या है वोल्टेज का गेट है वोल्टेज चेंज होगी तो गेट खुलेगा नहीं तो नहीं खुलेगा इन चैनल्स को जिसपे गेट लगा होता है हर समय नहीं खुले होते हैं ज केटेड चैनल क्या है वोल्टेज के और बेटा मेमब्रेन में क्या है पंप इस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप यह पंप का क्या काम है यह पंप कहते हैं कि मुझे ना खाना दो खाना माने ए टीपी दो अगर तुम लोग मुझे एटीपी दोगे तो मैं काम करूंगा अगर मैं काम करूंगा तो मैं क्या करूंगा तीन सोडियम को बाहर फेंकूंगा और दो पोटेशियम सेल के अंदर ले आऊंगा एक एटीपी से एक एटीपी से अगर मैं काम करूंगा तो तीन सोडियम बाहर, दो तो पोटेशियम अंदर तीन सोडियम बाहर, दो तो पोटेशियम अंदर तो ये सिनारियो मुझे एक्सोलेमा में मिलता है कुछ लीकी चैनल्स है जो हमेशा खुले हैं कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स के जो स्पेसिफिक वोल्टेज पे खुलेंगे और कुछ बेटा मेरे पास पंप प्रेजेंट है जो एटीपी से काम करेंगे एक एटीपी देंगे तीन सोडियम बाहर दो तो पोटेशियम अंदर तीन सोडियम बाहर दो तो पोटेशियम अंदर अब जरा रेस्टिंग स्टेज के बारे में सिचुएशन देखिए ये मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन था समझ रहे हो ना यहाँ तक एवरी वन इज विद मी टिल नाउ प्लीज टेल मी सब बच्चे मेरे साथ हैं अगला पांच मिनट तुमने सुन लिया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती इसके क्वेश्चंस में और अगर अगला पांच से सात मिनट तुमने नहीं सुना तो ये पोर्शन तुम्हारे लिए एक बहुत डिफिकल्ट पोर्शन बन के साबित होगा नहीं पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्यों चल रहा है क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव रट्टे मारते हुए नजर आओगे लेकिन अगला फाइव मिनट्स तुमने सुन लिया नो रट्टा विल बी रिक्वायर्ड ओनली अंडरस्टैंडिंग से और ये बेस बनेगा तुम्हारी एमबीबीएस का बेस बनने वाला आज क्योंकि ये वर्ड्स आप हर चैप्टर में यूज करते हो पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन बॉडी फ्लूट में भी तो किया था मस्कुलर uh, सिस्टम में भी तो किया था बट समझने हम आज वाले हैं कि क्या हो रहा है हाँ जी अब रेस्टिंग स्टेज में रेस्टिंग स्टेज में कौन बाहर था एक बार मैं रफ पेज ले रही हूं रफ पेज मैंने बनाया मान लीजिए ये मेरा मेमब्रेन है ये देखिए मेम्रेन है मेम्रेन के बाहर कौन बैठा था सोडियम आयन अंदर कौन बैठे थे पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ठीक है जी यस yes. अब यहां पर कौन से चैनल्स होंगे लीकी चैनल्स भी तो होंगे अच्छा रेस्ट कर रहा है अभी सेल लीकी चैनल थे तो सोडियम अंदर आएगा आएगा कि नहीं आएगा पोटेशियम बाहर जाएगा लीक हो रहा है ना लीकी चैनल्स तो ऑलवेज ओपन है दे आर ऑलवेज ओपन इफ दीस चैनल्स आर ऑलवेज ओपन तो सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर अगर बेटा सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर होता गया तो गड़बड़ हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 70 -70 अगर लीकी चैनल्स चलते रहे तो गड़बड़ इस गड़बड़ को सही करना है इस गड़बड़ को सही कौन करेगा इस गड़बड़ को सही करेगा सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम पोटेशियम पंप कहता है कोई बात नहीं टेंशन मत लो सोडियम गलती से अंदर आ रहा है पोटेशियम बाहर जा रहा है मैं ठीक करता हूं मुझे एटीपी दो इसने बोला तुम मुझे एटीपी दो हमने दे दिए इसने क्या किया तीन सोडियम बाहर फेंगे और एक एटीपी यूज करके दो पोटेशियम अंदर तो सोडियम बाहर पोटेशियम अंदर सोडियम बाहर पोटेशियम अंदर सो दिस इज हाउ रेस्टिंग स्टेज पर मामला रेगुलराइज होता है तो रेस्टिंग स्टेज पर कौन से चैनल्स चल रहे हैं लीकी चैनल्स चल रहे हैं लीकी चैनल्स आर ऑपरेटिंग सोडियम अंदर आ रहा है पोटेशियम बाहर जा रहा है बट परमेबिलिटी किसकी ज्यादा है परमेबिलिटी रेस्टिंग स्टेज पर पोटेशियम की ज्यादा होती है परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम इज मोर देन सोडियम लेकिन अगर सोडियम पोटेशियम मूव करता रहा तो गड़बड़ हो जाएगी इस गड़बड़ को कौन ठीक करेगा सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम पोटेशियम पंप क्या रेस्टिंग स्टेज पे चलेगा हां जी चलेगा इट विल ऑपरेट ऑपरेट करेगा तो क्या करेगा तीन सोडियम को बाहर फेंकेगा आउट एंड दो पोटेशियम को अंदर लेगा इन क्लियर रेस्टिंग मेम्रेन पोटेंशियल क्लियर ये रेस्टिंग स्टेज है रुको इसको मैं हटा देती हूं इसको मैं पहले पेज पे लिख दूंगी जस्ट सेकेंड ये यहां लिख दिया एंड ये मेरा रेस्टिंग स्टेज है रेस्ट कर लिया अच्छा अभी तक तो बेटा न्यूरॉन पे कोई मैसेज नहीं आया मान लीजिए मैसेज आ गया फिर क्या होगा मैसेज बेटा हर मैसेज इसको हिला नहीं सकता एक स्पेसिफिक वोल्टेज का मैसेज आएगा तभी बेटा ये काम करना शुरू करेगा वो स्पेसिफिक वोल्टेज का मैसेज क्या कहलाता है मैसेज को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस एक थ्रेश होल्ड वैल्यू का स्टिमुलस आना चाहिए भी ये काम करेगा नहीं तो ये काम नहीं करेगा ये जो थ्रेश वोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस होता है कितनी वैल्यू होनी चाहिए द वैल्यू शुड बी बिटवीन माइनस फिफ्टी फाइव टू माइनस सिक्सटी फाइव मिली वोल्ट इस वैल्यू का स्टिमुलस आएगा

वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ये गेट वाले गेट खुल जाएंगे किसका गेट खुलेगा सोडियम का गेट खुलेगा अगर सोडियम का गेट खुला तो सोडियम बाहर था सोडियम धलड़ल धलन धलड़े हो हो धड़ल्ले से अंदर आएगा सोडियम पहले बाहर था सोडियम दौड़ता हुआ अंदर आएगा अंदर पहुंच गया सोडियम क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ही ओपन हुए हैं यहां पर हो जाएगा इनफ्लक्स ऑफ सोडियम जब सोडियम का इनफ्लक्स होता है तो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है डीपोलराइज हो जाती है क्या हो जाती है मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं डीपोलराइजेशन बोलते हैं तो रेस्टिंग स्टेज पर मेम्बलेन कैसी थी पोलराइज थी कैसी थी अभी पोलराइज थी लेकिन जैसे ही मैसेज आया सोडियम अंदर भागा अंदर की साइड पर सोडियम के आने से क्या हो गया अंदर की साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया कंपैरेटिवली टू आउटसाइड बाहर की साइड पर मेम्ब्रेन के नेगेटिव चार्ज आ गया इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपोलराइजेशन यहां पर अब जो पोटेंशियल है वो रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं है वो क्या हो गया एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हो गया फायर हो गया बेटा फायर हो गया अचानक से मैसेज आया सोडियम सोडियम अंदर अंदर भागा अंदर भागने से क्या हो गया आपका फायर हो गया दैट इज एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड ठीक है जी अभी सिर्फ वोल्टेज केटेड पोटेशियम चैनल खुले हैं और सोडियम चैनल खुले हैं इसके बाद वाली स्टेज में क्या होगा अब अगर सोडियम चैनल खुले है तो नेक्स्ट स्टेज वुड भी जब पोटेशियम चैनल खुलेंगे ठीक है अगली स्टेज में क्या हुआ जो पोटेशियम अंदर बैठा था इसके वोल्टेज गेटेड चैनल खुले वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने से पोटेशियम सारा बाहर भागने की कोशिश करेगा यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस इज गोइंग टू बी ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कौन सा चैनल पोटेशियम चैनल कौन सा चैनल पोटेशियम अगर पोटेशियम चैनल खुलेगा तो पोटेशियम बाहर जाएगा विच इज गोइंग टू लीड टू ई फ्लक्स मतलब बाहर जाना किसका पोटेशियम का इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं रीपोलराइजेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको रीपोलराइजेशन बोलते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया तो बाहर कौन सा चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव हां जी हो गया ठीक है अंदर कौन सा चार्ज हो जाएगा अंदर नेगेटिव तो बेसिकली जब मैसेज जा रहा है तो पहले मेम्ब्रेन हुई पहले मेम्ब्रेन बैठी थी पोलराइज फिर मेम्ब्रेन क्या हुई डीपोलराइज डीपोलराइज के बाद फिर रिपोलराइज हो गई यहां तक मामला क्लियर है हाँ जी क्लियर है ठीक है बिल्कुल क्लियर है बेटा जी अल्टीमेटली जब मैसेज जाता है हर आदमी चाहता है कि अगर मुझे तुमने फायर किया तो फिर रिलैक्स भी तो कर दो है ना

यहां भी अंदर क्या है नेगेटिव है यहां भी नेगेटिव है मैच कर गया तो एक मामले में तो रेस्टिंग स्टेज पर हम वापस आ गए लेकिन एक मामले में गड़बड़ हो गई रेस्टिंग स्टेज में अंदर पोटेशियम था यहां पर पोटेशियम बाहर जा चुका है रेस्टिंग स्टेज में बाहर सोडियम था लेकिन यहां पर सोडियम अंदर आ चुका है हमने चार्जेस तो सेम कर दिए लेकिन हमने आयंस गड़बड़ कर दिए समझ रहे हो चार्ज बाहर लास्ट में पॉजिटिव अंदर नेगेटिव होना चाहिए था बिल्कुल सही बात है लेकिन आयन उल्टे हो गए बाहर सोडियम होना चाहिए था यहाँ पोटेशियम बैठा है अंदर पोटेशियम होना चाहिए था यहाँ सोडियम बैठा है तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर से यहाँ पर कौन काम करेगा सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम पोटेशियम पंप इसने बोला मैं तीन सोडियम को बाहर फेंकूंगा दो पोटेशियम को अंदर लेके आऊंगा अगर तुम मुझे खाने के लिए क्या दोगे एटीपी तो जैसे सोडियम पोटेशियम पंप बेटा यहां पर काम कर रहा था ना वैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप यहां पर काम करेगा तो सोडियम बाहर जाएगा पोटेशियम अंदर आएगा चीजें फिर से बैलेंस्ड हो जाएंगी इज दिस क्लियर और नॉट कर लो कर लो बातें कर लो कोई बात नहीं अभी तो बहुत साइन पड़ा है पढ़ा है पेपर अभी थोड़ा है बेटा करिए करिए बातें करिए क्योंकि अभी तो बहुत समय बचा है आज थोड़ा पेपर ना ही अगले महीने ना ही उससे अगले महीने पेपर खो तो अभी छह महीने बचे हैं मतलब थोड़ा सा छह महीने से कम ले लेंगे मतलब समय है अभी पेपर में तो अभी ऐसी कुछ जल्दी नहीं है हमें कर लेते हैं बातें कर लेते हैं करिए करिए ठीक है तो बेसिकली हमने क्या किया मैं भी बातें करके चली जाऊंगी मुझे भी क्या है है ना मेरा मेरा पेपर थोड़ा है मैंने थोड़ा पेपर देना बेटा ना मैंने डॉक्टर बनना है ना पेपर तो आपने देना है Yes. जब रेस्टिंग न्यूरोन था तो इस लेवल पर था है माइनस सेवेंटी के लेवल पर था हेयर द पोटेंशियल वॉज माइनस सेवेंटी फिर थ्रेश होल्ड आया थ्रेश होल्ड आया किस वैल्यू का आया -55 example, -55 का आया। जैसे आया, चार्ज आ चुका है पॉजिटिव चार्ज आ चुका है जब इसको ऑसिलोस्कोप में देखेंगे तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा प्लस थर्टी फाइव मिलीवोल्स मतलब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़कर कितना हो गया प्लस थर्टी फाइव मिलीवोल्ट हो गया यहां पर ये सब क्यों हुआ depolarization की वजह से हुआ depolarization किसको बोलते इन फ्लक्स ऑफ सोडियम को बोलते हैं of sodium को बोलते हैं अब अगर डीपोलराइजेशन हुई तो वापस भी आना पड़ेगा मेम्रेन को बिल्कुल ये वापस आ रहा था वापस आने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं रिपोलराइजेशन बोलते हैं रिपोलराइजेशन कैसे हुई रिपोलराइजेशन हुई e पोटैशियम की वजह से हुई ठीक है पोटैशियम गेटेड चैनल्स खुले वोल्टेज गेटेड पोटैशियम चैनल खुले और पोटैशियम बाहर गया जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन हुई होना चाहिए था कि रिपोलराइजेशन भी -70 तक आती और मामला वही सॉर्ट आउट हो जाता लेकिन पोटैशियम गेटेड चैनल वोल्टेज गेटेड पोटैशियम चैनल थोड़ा ज्यादा देर के लिए खुले हो गए थोड़ी ज्यादा देर के लिए ओपन रह गए जिसकी वजह से ज्यादा ज्यादा पोटेशियम पोटेशियम इफ्लक्स इफ्लक्स हो हो गया हो गया मतलब अब पोटेंशियल डिफरेंस और घट के कितना चला गया माइनस नाइनटी मिलीबोल्ड तक चला गया कितना चला गया माइनस नाइनटी मिली तक चला गया फिर इसको वापस लाना पड़ा हमें फिर इसको वापस लाना पड़ा टू सेवेंटी ये जो बीच में इतनी सी स्टेज आई कैन यू सी ये जो स्टेज आई दिस इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं क्यों हुआ होगा हाइपर पोलराइजेशन कौन सा वाला चैनल खुला रह गया होगा ज्यादा देर के लिए पोटेशियम वाला होना क्या चाहिए था जितने टाइम सोडियम चैनल खुले हैं उतने ही टाइम पोटेशियम को खुलना चाहिए था तो मैं मामला सेट हो जाता लेकिन जितना टाइम सोडियम चैनल खुला उससे ज्यादा समय तक पोटेशियम चैनल इतनी देर ज्यादा खुला रहा ठीक है तो दिस इज नाउ कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन इट विल कम बैक टू नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप ठीक यस मेरे बच्चों क्लियर <laughs> हो चुका है सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है तो पॉइंट दिस से इस पॉइंट तक मैसेज ही जाएगा डिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन की मदद से मैसेज जाएगा लेकिन अगर बीच में मैंने लगा दी माइलिन शीथ माइलिन शीथ तो क्या है इंसुलेटर यानी कि यहां से मैसेज आ रहा था आ रहा था आ रहा था रुक गया क्योंकि इंसुलेटर तो चार्जेस को नहीं जाने देगा ना अब इसको जंप करके जाना पड़ेगा फिर रुक गया फिर जंप करके जाना पड़ा फिर रुक गया फिर जंप करके जाना पड़ा फिर रुक गया फिर जंप करके जाना पड़ा अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सीधी नहीं हो सकती है जंपिंग फॉर्म में होगी व्हाट डू यू मीन बाय जंप एक्चुअल में फ्रॉग है है क्या क्या ये कूद के जा रहा जंपिंग का सिंपल मतलब है इस पूरी जगह पर हो सकती है इस जगह पर नहीं हो पाई फिर यहाँ डिपोलराइजेशन हो या नहीं हुई फिर यहाँ डिपोलराइजेशन हो या नहीं फिर यहाँ डिपोलराइजेशन हो या नहीं हुई इस टाइप के ट्रांसमिशन को जो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में होता है इसको हम लोग बोलते हैं -a conduction. क्या बोलते हैं बेटा जी इसको जस्ट अगर जैसे वो बॉल बॉल पहननी हो तो उसको ऐसे कर रही हो सही हो जाए हाँ जी दिसक्शन सोल्टेटरी कंडक्शन दैट इजिंग जम्पिंग की फॉर्म में हमें दिखाई पड़ता है इसका फायदा क्या है ये स्लो है कि फास्ट है ये बेटा जी फास्ट कंडक्शन है अगर आपको एक रूम के कोने से दूसरे रूम तक जाना है एक तरीका है कि चल के जाओगे दूसरा तरीका है कि उछल के जाओगे तो उछलोगे तो जल्दी पहुंचोगे ना चल के जाओगे तो जल्दी नहीं पहुंचोगे ठीक है तो अगर न्यूरॉन बेटा जी माइलिनेटेड है तो मैसेज जल्दी जाएगा अनमाइलिनेटेड है तो धीरे धीरे जाएगा प्लस अगर न्यूरॉन बेटा जी माइलिनेटेड है ना तो एक और फायदा है पता है क्या फायदा है एटीपी का पैसे कम लगेंगे एटीपी कम यूज होगा क्यों ध्यान दो ये देखो अगर मान लो माइलिन चीत नहीं है फोकस करना जैसे यहां माइलिन चीत नहीं है तो हर जगह पर सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा हर जगह पर काम कर रहा है कोई रोक लगाने वाला नहीं है लेकिन अगर न्यूरॉन माइलिनेटेड है तो यहां काम किया यहां काम किया सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ नहीं कर सकता फिर यहां काम किया यहाँ नहीं कर सकता फिर यहां काम किया नहीं कर सकता मतलब कम एटीपी यूज होंगे है ना क्योंकि जितना सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा उतना एटीपी यूज करेगा मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन इज मोर इकोनॉमिकल फास्ट तो है ही है इकोनॉमिकल भी है क्योंकि लेस एटीपी यूज होते हैं लेस ए दे आर कंज्यूम्ड ओके जी यस yes, मेरे बच्चों तो दिस इज माइलीनेशन साथ ही में अगर आपको स्पीड कभी भी बढ़ानी हो ना स्पीड कभी भी चकनी हो तो स्पीड बढ़ा सकते हो या तो माइलीनेट कर दो उससे स्पीड बढ़ जाती है या फिर आप क्या कहते हैं डायमीटर बढ़ा दो डायमीटर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी या फिर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए तो भी कंडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है यस <coughs> yes, मेरे बच्चों बेटा फातिमा ऑलमोस्ट इट इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली डिपोलराइज डिपोलराइज रिपोलराइज वेरी फास्ट का फर्क होता है चलिए तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हमने कर लिया अब करते हैं केमिकल ट्रांसमिशन केमिकल ट्रांसमिशन की जरूरत क्यों पड़ी है तब पड़ेगी जब गैप बहुत ज्यादा होता है गैप कम हो तो इलेक्ट्रिकल से ही काम चल जाएगा इस गैप को जो दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसको क्या बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट ठीक है चलो अब मेरे साथ करो अगर बेटा जी साइन क्लेफ्ट के अंदर गैप इज लेस देन टू नैनोमीटर गैप इज लेस देन टू नैनोमीटर या फिर दूसरा कंडीशन होता है गैप इज मोर देन नैनोमीटर अगर गैप कम है तो कैसे जाएगा इलेक्ट्रिकल फिर हमें किसी केमिकल की जरूरत नहीं है उस साइन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल साइन अगर गैप ज्यादा है तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी केमिकल इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल साइनाप्स बॉडी में क्या दोनों होते हैं एक होते हैं क्या सीन होता है बॉडी में हमारे दोनों है इलेक्ट्रिकल भी है केमिकल भी है बट बॉडी में ज्यादा कौन सा है, है. क्यों केमिकल वाला फायदेमंद है क्यों बेनिफिशियल है केमिकल वाला क्योंकि बेटा यहां पर दो तरीके के न्यूरो ट्रांसमीटर द केमिकल इज न्यूरो ट्रांसमीटर और मेरे पास समिटर दो तरीके के आते हैं एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी भी है तो अगर मेरे पास केमिकल वाला साइन आता है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे सामने वाले को तो मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मुझे नेक्स्ट न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना है या फिर इनहिबिट करना है ठीक है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है यहां तो अगर स्टिमुलेशन है तो स्टिमुलेशन जा रही है इनहिबिशन है तो इनहिबिशन आगे जा रही है ठीक मेरे बच्चे तो केमिकल साइन कर लें इलेक्ट्रिकल में तो कुछ करने का नहीं है इलेक्ट्रिकल में कुछ करने का नहीं है ठीक है केमिकल साइन एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ केमिकल साइन देख लें फटाफट से थ्री डी में यस yes. एक मिनट रुकिए, लेट मी शो यू ओके okay. छे बजे की क्लास में एनरोल कर लिया छह बजे टेस्ट चालू हो जाएगा फिर मत बोलिएगा बताया नहीं यस कैन यू सी दिस केमिकल केमिकल वाला बता रही हूँ जिसमें गैप ज्यादा है हाँ जी ध्यान दो ये केमिकल वाला बना रही हूँ बता रही हूँ ये देखिए ये मेरा एक न्यूरॉन है बेसिकली साइनाप्स बेटा ऊपर वाले न्यूरॉन के एग्जोन एंडिंग और नीचे वाले के डेंड्राइट के बीच में नीचे वाले के सेल बॉडी के बीच में बनेगा ठीक है यस yes. ये ऊपर वाला न्यूरॉन है ये आप देख रहे हैं कटिंग दिखाई हुई है न्यूरॉन की एक्सॉन एंडिंग है दिस इज अप्टिक बल्ब ये साइनाप्टिक नॉब है आपका इस साइनाप्टिक नॉब के अंदर ये साइनाप्टिक वेसिकल है देख रहे हो ये छोटे छोटे क्या है वेसिकल है इन वेसिकल में कौन बैठा है न्यूरो बैठा है और ये नीचे वाला न्यूरॉन है ठीक है तो दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं साइनाप्टिक लेफ्ट और बीच के जंक्शन को हम लोग बोलते हैं साइनाप्स तो साइनाप्स सिखाने वाली हूं मैं तो पहले मैं बता देती हूँ फिर हम इस डायग्राम पे दोबारा आएंगे वेट ए सेकेंड फिर हम इस डायग्राम पे दोबारा आएंगे हां जी हो गया लेट मी ड्रॉ इट एक मिनट का काम है फिर हमारा डन हो जाएगा मूविंग ऑन टू साइन पहले बना लो मेरे साथ मैं बनाने क्या वाली हूं इतना सा हिस्सा आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस पोर्शन मतलब ऊपर वाले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल नीचे वाले न्यूरॉन की डेंड्राइट समझ लो ये वाला हिस्सा बनाऊंगी और फिर नीचे वाले का डेंड्राइट बनाऊंगी ठीक चलो आ जाओ तो ये ऊपर वाला न्यूरॉन है उसकी एक्सॉन है एक्सॉन के बाद ये एक्सॉन का टर्मिनल है टर्मिनल आगे क्या बनाता है साइनाप्टिक नॉब साइनाप्टिक नॉब और ये नीचे वाला न्यूरॉन का डेंड्राइट है ठीक है ये जो ऊपर वाला न्यूरॉन है वो इस जंक्शन से ऊपर वाला है ये नीचे वाला है तो ऊपर वाले को मैं बोलूंगी प्री दिस इज कॉल्ड एज प्री और ये के बाद आ रहा है दिस इज पोस्ट न्यूरॉन ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सी पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर मिल जाएंगे सो डू नॉट वरी ये ऊपर वाला जो न्यूरॉन है प्री साइनाप्टिक इसके पास क्या प्रेजेंट है साइनाप्टिक वेसिकल ये हमें पता है क्या प्रेजेंट है साइनाप्टिक वेसिकल इन साइनाप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है जो निस्सल ग्रेन्यूल्स ने बताया था बताओ क्या भरा हुआ है, है न्यूरो भरा हुआ है न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे ही ध्यान देना। जैसे ही यहां पर डिपोलराइजेशन की वेव आई इलेक्ट्रिकल मैसेज आया देअ विल बी इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम

मेम्ब्रेन से फ्यूज होने का मतलब है अब इसके अंदर जो भी माल मसाला है वो बाहर आ जाएगा इसके अंदर क्या था न्यूरो ट्रांसमीटर यह न्यूरो ट्रांसमीटर इस खाली जगह में आ गया है ना ये न्यूरो ट्रांसमीटर इस खाली जगह में आ गया इस खाली जगह को नाम क्या दिया था साइनाप्टिक क्लेफ्ट जगह का नाम है क्लेफ्ट इस क्लेफ्ट में न्यूरो ट्रांसमीटर जब आया इसको अपने रिसेप्टर मिले पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन पर यहां पर इसके रिसेप्टर मौजूद है तो न्यूरो आया अपने रिसेप्टर के साथ जाकर बैठ गया ये मैंने ऑरेंज कलर के क्या बनाए हैं रिसेप्टर्स बनाए हैं ठीक है जैसे ही ये अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा अनदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल बी जनरेटेड इन नेक्स्ट न्यूरॉन समझ गए तो ये जो यहां जंक्शन बना है इस पूरे जंक्शन को हम लोग बोलते हैं साइनाप्स एक साइनाप्स में तीन चीजें मौजूद होंगी ठीक है एक साइनाप्स में आपको तीन चीजें मिलेंगी पहला प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन ये देख रहे हो ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी है प्री मेम्ब्रेन। दूसरा बीच का गैप गैप का नाम है क्लेफ्ट और तीसरा पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन साइनाप्स के बाद वाली मेम्ब्रेन, पोस्ट साइन मेम्ब्रेन ठीक है जी यस तो ये है केमिकल ट्रांसमिशन कि केमिकल की मदद से आपने ऊपर का मैसेज नीचे भेजा अब जैसा केमिकल होगा वैसा ही मैसेज जाएगा मान लो ये स्टिमुलेटरी है तो अगले वाले न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन हो जाएगी अगर ये इनहिबिटरी है तो अगले वाले न्यूरॉन में रीपोलराइजेशन हो जाएगी तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन बेटा जी डिपेंड करती है कि वो कौन से टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर है एक्साइटेटरी है या फिर स्टिम्यूलेटरी है ठीक है जी न्यूरो तो ट्रांसमीटर कैसा है अगर तो एक्साइटेटरी है तो नेक्स्ट मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी कि रिपोलराइज तुम बोलोगे नेक्स्ट वाली मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी है ना मैसेज चला गया डिपोलराइजेशन हो गया इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हो गया अगर बेटा जी ये इनहिबिटरी है तो नेक्स्ट वाली मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए परमिएबल हो जाएगी यानी कि रिपोलराइजेशन हो जाएगा ठीक है मतलब यहां पर इस केस में सोडियम आयन ट्रैवल करेगा इस केस में पोटेशियम आयन ट्रैवल करेगा यस yes, मेरे बच्चों क्या टेस्ट है टेस्ट तो मैं नहीं लेना है कह रहे मैम टेस्ट ओवर कर दो क्लास टेस्ट तो मैं ही लेने वाली हूँ और कौन लेगा टेस्ट तो मेरे ये छह बजे हां जी मैं जाऊं या तुम जाओगे चलो में कौन आते हैं एसिटाइल कोलिन और कौन आ जाता है एपिनेफ्रिन उसका भाई नॉर एपिनेफ्रिन बस ये लिख लो लास्ट है कल ब्रेन करना है क्या कोई मिस कर सकता है इस क्लास को नहीं कर सकता ग्लूटामेट और बेटा इनहिबिटरी वाले कौन से डोपामीन सेरोटोनिन गाबा गाबा लाइसीन गाबा इज गामा माइनोबिटेरिक एसिड This is और बेटा इससे कुछ बीमारियां भी होती हैं मान लीजिए अगर किसी के अंदर एसिटाइल कोलिन कम हो जाए ये आ, पास्ट में आ चुका है इसीलिए बता रही हूँ पीवाई में मिल जाएंगे क्वेश्चन देखो एक अच्छे टीचर की पहचानी ये होती है कि वो आपको पीवाई जो पुराने आ चुके हैं उसकी नॉलेज साथ साथ देता रहे करंट एनसीआरटी तो हर कोई पढ़ा रहा है ऑलजाइमर्स ऑल जाइमर्स ये वही बीमारी बेटा जिसमें भूल जाता है आदमी इसमें मूवीज भी बहुत बनी है ऑल जाइमर्स जिसमें पुराना याद ही नहीं रहता काजोल और अजय देवगन की कोई मूवी अब मुझे नाम नहीं पता नाम याद नहीं है तो लो कोलिन की वजह से ऐसा होता है मान लीजिए लो गाबा हो जाए बॉडी में गामा बिटेरिक एसिड कम हो जाए तो हंटिंगटन कोरिया हो जाएगी हंटिंगटन कोरिया ठीक है मान लो लॉस ऑफ डोपामिन हो जाए डोपामिन का काम पता है क्या होता है मान लो मैं मूव कर रही हूं मुझे इसकी मूवमेंट को रोकना है तो मोटर न्यूरॉन्स में डोपामिन आएगा मूवमेंट को रोकेगा लेकिन अगर नहीं आया तो मूवमेंट रुकेगी नहीं मूवमेंट नहीं रुकेगी तो मेरा हाथ कामता रहेगा, कामता रहेगा। इनहिबिट्री है, रहे, है तो इसको रोकने के लिए डोपामिन चाहिए था लेकिन अगर लॉस ऑफ डोपामिन हो गया तो रुकेगा ही नहीं है रोकने वाला आया ही नहीं रोकने वाला नहीं आया तो कामता रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं पार्किस पार्किस में आदमी का जो हैं, शेकी टाइप हो जाते हैं वो चाह कर भी नहीं रोक पाता कांपते रहेंगे इट्स डिसऑर्डर ठीक है इट्स डिसऑर्डर और अगर एक्सेस हो जाए डोपामिन का तो हेलिनेशन होती होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्किजोफ्रेनिया ओके यस स्किजोफ्रेनिया चलिए सो विद टुडेस पोर्शन आज हमारे चैप्टर का पहला हिस्सा था पहले हिस्से में हमने डिस्कस कर लिया न्यूरॉन कल हम डिस्कस कर लेंगे ब्रेन ये तो वैसे ही आपका काट दिया गया है क्या आज का लेक्चर समझ आया तो सेशन लाइक क्यों नहीं किया अभी तक आई हैव ट्राइड कि बेस्ट वे में आपको समझ आए सेशन लाइक क्यों नहीं किया और क्या इसमें एनरोल किया अब से 20 मिनट के बाद ही क्लास चालू हो जाएगी सिक्स बज के छह बज के दस मिनट पे मैं क्लास को चालू कर दूंगी यहां पर मैंने पिन किया हुआ है यहां पर मैंने पिन किया हुआ है हाँ जी ये देख लो यही न्यूरो बतायाप्स बतायाप्ट अगर आप इस न्यूरॉन को ध्यान से एक्सॉन टर्मिनल को ध्यान से देखोगे इसमें आपको इस तरीके से साइनाप्टिक नॉब्स दिखाई देंगे साइनाप्टिक वेसिकल दिखाई देंगे बीच में भरा हुआ है न्यूरो ये देखिए किस तरीके से न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से लीक होकर अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा ये इसके रिसेप्टर है अपने रिसेप्टर के साथ जाकर जुड़ेगा एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को या तो डिपोलराइज करेगा या फिर रिपोलराइज करेगा दिस इज हाउ केमिकल ट्रांसमिशन हैपेंस इज दिस क्लियर यस क्लियर हो चुका है सब बच्चों को बताना अगर सेशन बेटा अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड इस पे कमेंट जरूर करके जाना कमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो मुझे पता रहता है कि आपको समझ आया कि नहीं आया दूसरा कल को कोई नया बच्चा देखता है तो उसको पता होना चाहिए कि क्या मैं इसको अपना एक घंटा डेडिकेट भी करूं या ना करूं तो अगर आपको समझ आता है प्लीज उसको एज अ रिव्यू नीचे लिख कर जाइए ताकि फ्यूचर में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको हेल्प हो जाए वेदर आई शुड स्पेंड दैट वन आर और नॉट ठीक है चलिए और बेटा आपको ये चीज बतानी थी कि आम,

प्लस आपको वन मंथ फ्री भी मिल जाएगा अब नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आईकॉनिक में भी सिक्स मंथ के सब्सक्रिप्शन पर वन मंथ एप्सोलूटली फ्री है और ये बेस्ट समय इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बैचेस अभी अभी चालू हुए हैं हमारे पास एक्सेलरेट क्रैश कोर्स बैच है जो कि नवंबर नाइन को जस्ट अभी चालू हुआ है हमारे पास अर्ली एनथ्यूज बैच है ट्वेंटी के लिए जो कि नवंबर थर्टियथ को चालू होने वाला है इन सारे बैचेस में एनरोल करने के लिए और मेरी गाइडेंस के लिए सीप लाइफ कोर्ड लगाए जब आप ये कोड लगा के अंदर आते हैं तो आप ये बैचेस तो देख ही पाएंगे साथ में आप मुझसे भी वहां पर डेफिनेटली पढ़ाई कर सकते हैं मेरे भी प्लस आइकॉनिक वहाँ पर रेगुलरली क्लास होती है ठीक है अब 20 we'll we'll amazing, amazing का आप सॉल्व करेंगे आपके पास अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि क्लास सिर्फ पढ़ने की क्लास नहीं है यहां पर सवाल निकालने की क्लास है हम जितनी शिद्दत से पढ़ते हैं उतनी ही शिद्दत से सवाल में निकालेंगे और एक एक

फिजिकल कॉपीज बताते नहीं हो यार तुम बताते नहीं हो एक मिनट रुको ये हो क्या नहीं रहा चेंज नहीं हो रहा एक मिनट ये चेंज क्यों नहीं हो रहा नहीं नहीं दिखाना तो वहां हो गया हो गया नाउ इज विजिबल सो वट आई वॉज टेलिंग फर्स्ट हंड्रेड लर्नर्स को बेटा फिजिकल कॉपीज है फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है सब्सक्रिप्शन पर प्लस का लीजिए आइकोनिक का लीजिए हर टाइप की सब्सक्रिप्शन पर अभी ऑफर भी है प्लस फिजिकल बुक्स का भी आपके पास चांस है फर्स्ट अगर आप हंड्रेड लर्नर्स में आते हैं और वन मंथ का फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ एक्सटेंशन भी है ये सारा ऑफर आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ सीप लाइफ कोड इस समय बहुत अमेजिंग बैचेस चल रहे हैं एक्सेलरेट बैच है जो कि अभी जस्ट थर्टीथ को स्टार्ट हुआ के लिए अर्ली बैच है जो कि 30th को चालू होने वाला है इन सारे बैचेस में आप लोग सीप लाइफ कोड से एंट्री ले सकते हैं वहां पर जब आप प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल भी दिखेगी उसमें आपको मेरे बैचेस भी दिखेंगे जो ऑलरेडी ऑन गोइंग है आप एक बारी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद प्लस और आइकॉनिक किसी से भी पढ़ सकते हैं

ओके चलिए बाय बाय गाइस टेक केयर ठीक है जी चलो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो